किचन ऑफ इंडिया द्वारा गुजरात मा गिफ्ट सिटी गांधीनगर मा इकोसिस्टम ऑपर्चुनिटीज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर एक सेमिनार नो आयोजन करवामा आव्यु हतु। आ सेमिनार मा केटलाक नोंधपात्र महानुभावो जेवा के डॉक्टर अश्विनी अग्रवाल, डिरेक्टर एप्लाइड मटीरियल, डॉक्टर सीमा विनायक, डायरेक्टर SSPL, श्री RJ त्रासी, CEO RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, श्री भुवन पुरोहित, भूतपूर्व डिरेक्टर रोबामिन प्राइवेट लिमिटेड, श्री संदीप सक्सेना, अधिक सेक्रेटरी ELCINA, श्री HM पटेल, चेयरमैन ऑफ गांधीनगर इलेक्ट्रॉनिक्स जोन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, और श्री प्रणव पंड्या, चेयरमैन ऑफ GESIAIT एसोसिएशन ना साथे साथे श्री विदेय खरे, IAS मिशन डिरेक्टर, गुजरात राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन, और श्री विजय नेहरा, IAS सचिव, विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग, गुजरात सरकार पण हाजर रहा हता। गुजरात गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए गुजरात इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी का निर्माण किया है। पिछले वर्ष अक्टूबर 28 अक्टूबर 2022 को इस पॉलिसी का प्रयोजन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को काफ़ी सारे फाइनेंशियल और फिजिकल और नॉन फिजिकल बेनिफिट दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, पावर टैरिफ सब्सिडी और भी कई सारी फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही हैं। इसके तहत हमारा जो उद्देश्य है कि गुजरात में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अभी है उसको हमें $30 बिलियन तक इस पॉलिसी पीरियड में ले जाना है। इसके अंतर्गत 10 लाख रोजगार सृजन करने का हमारा उद्देश्य है। આ ઇવેન્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ESDM સેક્ટરમાં ઉભરતી તકો અને પડકારોની સમજ આપવા અને ચર્ચા કરવાનો તથા તેના વિકાસને અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે માર્ગો શોધવાનો હતો। સેમિનારમાં ગુજરાતના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગના તમામ હિતકારકો, રોકાણકારો અને સરકારની સહભાગીતા જોવા મળી હતી, જેમને ગુજરાત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પોલિસી 2022-2028 ધોલેરા ખાતે ફેબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જાહેરાત, સંભવિત પડકારો અને તેને કેવી રીતે દૂર કરી શકાય તેની સાથે સાથે ઇન્ડસ્ટ્રીના આધુનિક વલણો, તકો, પ્રોત્સાહનો જેવા મુદ્દાઓ પર સમજદાર ચર્ચા વિચારણા કર્યા હતા। ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન ભારતની એક સબસે પુરાની 55 સાલ પુરાની એસોસિએશન હે, જો બમ્બઈમાં શરૂ હોઈ હતી 7 ઇલેક્ટ્રોનિક કોમ્પોનન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ કે સાથ। आज हमारे पास 300 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, सभी डोमेन से, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल कंपनीज और लोकल कंपनीज। हमारे साथ जो है वो एकेडमिया जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे IITs और ISCs हैं, स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम पूरी एसोसिएशन अपने सभी मेंबर्स के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है $300 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम पूरा करें।